एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन। दोस्तों, एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन स्कीम से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आप एक्सिस बैंक से किस किस पर्पज के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। एक्सिस बैंक से जो 24x7 पर्सनल लोन मिलता है वो आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी पर्सनल लोन के पैसों को यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 24x7 पर्सनल लोन लेने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन का सबसे पहला फायदा है कि यहाँ से कम इंटरेस्ट रेट पर आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि पर्सनल लोन पर कम से कम प्रोसेसिंग फीस लगता है। तीसरा बेनिफिट है कि आपको पर्सनल लोन लेने के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। चौथा बेनिफिट है नो हिडन कॉस्ट्स। एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन पर किसी तरीके के हिडन कॉस्ट नहीं होता है। पांचवा बेनिफिट है नो सिक्योरिटी नो गारंटर। एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी को गारंटर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स हैं एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन लेने के। अब आगे जानते हैं कि एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष की होने चाहिए। इसी के साथ आप पब्लिक, प्राइवेट या किसी MNC में एम्प्लॉय होने चाहिए। पर्सनल लोन लेने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ज्यादा की होने चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो हो सकता है कि आपको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन मिल जाए, लेकिन पर्सनल लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप KYC डॉक्यूमेंट के लिए दे सकते हैं। दूसरा, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना होता है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो इसमें पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। तीसरा, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप पिछले 3 साल की ITR की कॉपी दे सकते हैं। चौथा, आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि आप एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन स्कीम से कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होता है ये आपके इनकम और सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। तो आपकी जितनी नेट मंथली सैलरी है उससे 15 times यानी 15 गुना तक आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी नेट मंथली सैलरी 50,000 है तो आपको यहाँ से 7,50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब बात आती है कि पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 से 60 महीनों तक का समय मिलता है। इसके बीच में आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई पूरी जानकारी एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन के बारे में। अब जानते हैं कि आप एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेब पेज खुलेगा। यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर एंटर करने के बाद आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस में अगले पेज पर आपको लोन ऑफर दिखेगा, इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई हो जाने के बाद कुछ ही देर में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और लोन का पैसा 24 से 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन एक्सिस बैंक 24x7 पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एक्सिस बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाएंगे।
वहां पर बैंक एम्प्लॉय को बताएंगे कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद बैंक एम्प्लॉय आपके डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और लोन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, लोन के पैसों को वापस करने के लिए कितने दिनों का समय मिलता है, ऐसी जानकारी आपको बैंक एम्प्लॉय बताएंगे। इसके बाद अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, इसी के साथ आपकी जो सिबिल स्कोर है उसकी भी जांच की जाएगी। सब कुछ ठीक होने पर 24 से 48 घंटे के अंदर पर्सनल लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में एक्सिस बैंक की तरफ से जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सिस बैंक से 24/7 पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो एक्सिस बैंक 24/7 पर्सनल लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 10.99% पर ईयर से। ये जो इंटरेस्ट रेट है आपके सिबिल स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 2-5% हो सकता है। इसके साथ आपको GST भी देना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लोन फॉर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो लोन अप्लाई करते समय इन चार्जेस का लिस्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप एक्सिस बैंक 24/7 पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।